तो कहानी की शुरुआत फ्लोरेंस के एक चर्च से होती है, जहां पर हम एक आदमी को चर्च की पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जो कि पहले एक चोरों चक्का था। वो कई महीनों से चर्च में अपना पिछवाड़ा घिस घिस कर पेंटिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे उसकी दिहाड़ी नहीं मिली थी, जिस करके वो सोचता है कि इस बार तो मैं अपनी दिहाड़ी लेकर ही आऊँगा। इसलिए वो मुंह उठाकर चर्च के पादरी के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत तो गधे के लुल से लिखी हुई थी। इसलिए वहाँ पहुँच कर वो देखता है कि चर्च का पादरी तो बैठे बैठे ही लुढ़क चुका है। वो सोचता है कि अब तो मुझे मेरी दिहाड़ी मिलने से रही, तो क्यों ना मैं ही चर्च का पादरी बन जाऊँ। आगे हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्बिनो नाम का एक शैतान आदमी पड़ा हुआ था। दरअसल लोरेंजो ने बड़ी ही चलाकी से जुए में जर्बिनो का काटा था, इसीलिए जर्बिनो उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर जर्बिनो अपने सिपाहियों को लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरीके से उससे बचकर वहां से निकल जाता है। आगे हम एक बिजनेसमैन की पेटी पैक बेटी को देखते हैं, जिसका नाम है पैंपनिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैंपनिया के माता पिता प्लेग नाम की एक बीमारी की वजह से कुछ ही दिन पहले जल बसे हैं। इस वजह से अपने माता पिता को खोकर पैंपनिया काफी दुखी थी। तभी वहाँ पर शैतान का बच्चा जर्बिनो आता है और वो पैंपनिया से कहता है कि तुम्हारे माता पिता जल बसे ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। वैसे तुम अभी करने क्या वाली हो? पैंपनिया कहती है, मुझे लेने के लिए मेरे सपनों के राजकुमार यानी कि रासिया के राजकुमार आ रहे हैं, जो मेरे साथ शादी करके मुझे अपने आलिशान महल में महारानी बनाकर लेकर जाएंगे। ये सुनते ही जर्बिनो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से कुछ कर्ज लिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर इन पैसों को वो नहीं चुका पाए तो वो इसके बदले में तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा देंगे। पर यहाँ पर हमें उसका मुंह देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये शैतान जर्बिनो पैंपनिया से झूठ कह रहा है और वो उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोरेंजो को देखते हैं, जो कि जर्बिनो के सिपाहियों से बचकर भागा जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक आदमी को एक लाश ले जाते हुए देखता है और उससे पूछता है कि अरे भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। वो आदमी कहता है कि ये रास्ता तो कॉन्वेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर सिर्फ नंस ही नंस रहती हैं, और मैं इस आदमी को वहीं से उठाकर ला रहा हूँ, जो कि कई सालों से उस कॉन्वेंट में गार्डनर का काम कर रहा था। अब ये बात सुनते ही लोरेंजो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उससे पूछता है कि अगर ये गार्डनर मर गया है तो कॉन्वेंट में एक नया गार्डनर चाहिए होगा, तो क्या वो लोग मुझे नौकरी पर ले लेंगे? जिसमें वो आदमी कहता है कि हाँ ले तो लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस आदमी की तरह गूंगा बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि वो नंस सिर्फ गूंगे बहरे लोगों को ही गार्डनर की जॉब पर रखते हैं। अब वो नंस गूंगे बहरे लोगों को ही क्यों नौकरी पर रखती हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। अब आगे लोरेंजो जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जर्बिनो के आदमी उसे देखे बिना ही वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो एक टहनी पर खड़ा हुआ था, तभी वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे पीठ के बल आकर गिरता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी किस्मत अच्छी थी ये ना कहें तो और क्या कहें। दरअसल थोड़ी देर में वहाँ पर चार खूबसूरत नंस आती हैं और उसे उठाकर कॉन्वेंट में ले जाती हैं। और इधर बाई चांस हम लोग गिरकर कहीं बेहोश हो जाएं तो कुत्ते आकर अपनी लात उठाकर मूत कर चले जाते हैं। अब आप हंस बाद में लेना, कहानी में आगे क्या हुआ पहले ये देख लो। इधर लोरेंजो के पास दो सुंदर सी नंस आकर उसका चेकअप करने लगती हैं। एक नन कहती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ताकतवर भी लग रहा है। दूसरी कहती है कि देखो इसे अच्छे से चेक करो, कहीं इसकी कोई हड्डी वड्डी ना टूट गई हो। जिसके बाद वो दो नंस अपने हवस भरे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करने लगती हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गूंगे बहरे लोगों को इसलिए काम पर रखती हैं ताकि वो लोग उससे अपनी हवस मिटा सकें, और वो बेचारा गूंगा बहरा ना किसी को कुछ बोल पाए और ना किसी से कुछ सुन पाए। दरअसल इन नंस ने उस पुराने गार्डनर को चूस चूस कर खोखला कर दिया था, वरना भाई क्या ये उम्र थी उसके मरने की। अब आगे यहाँ पर लोरेंजो भी होश में आ चुका था और वो तो बस अपनी आंखें बंद कर इन सब चीजों का मजा ले रहा था। तभी वहाँ पर हेड नन पहुँचती है और वो लोरेंजो से उसकी तबीयत पूछने की बजाय वो पूछती है कि क्या तुम गूंगे बहरे हो। अब लोरेंजो कोई लोला थोड़ी है जो वो इतना बड़ा अच्छा मौका अपने हाथ से छोड़ दे, इसीलिए वो हेड नन को इशारे में समझाता है कि वो गूंगा बहरा है। अब ये बात जानते ही सभी नंस की आंखें चमक उठती हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद भगवान ने इस गूंगे आदमी बहरे को हमारी प्यास मिटाने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ हम पैंपनिया को देखते हैं, जो कि अपनी भर्जनी सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि दोस्तों जर्बिनो ने मेरी नाक में दम करके रखा है और वो मेरी भर्जनी को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं मेरी भर्जनी सिर्फ राशिया के राजकुमार से ही तोड़वाऊंगी। तभी वहाँ पर जर्बिनो आ जाता है और वो पैंपनिया को शादी के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। अब उसकी इस जबरदस्ती को देखकर पैंपनिया की सभी दोस्त फैसला करती हैं कि वो लोग पैंपनिया को पेटी पैक रखने के लिए कॉन्वेंट भेज देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि कॉन्वेंट में दिन रात सुबह शाम खुदाई का काम चलता रहता है। इसके बाद आगे वो उसे एक घोड़ा गाड़ी में बैठा कर कॉन्वेंट भेज देते हैं
और वहां की नंस उसे उनका मनपसंद सफेद नाइटी पहना देती हैं। इसी बीच पैंपनिया वहां पर लोरेंजो को बचकानी हरकतें करते हुए देखती है और उसके बारे में नंस से पूछती है, क्योंकि पूरे कॉन्वेंट में सिर्फ वो एक अकेला ही मर्द था। वो नंस उसे कहती है कि वो यहाँ का नया गार्डनर है जो कि गूंगा बैर है। अब लोरेंजो को देखकर बाकी नंस की तरह ही वो भी उसका लेने के लिए यानी कि उसके प्यार में बावली हो जाती है। इधर लोरेंजो जब गार्डन की सफाई कर रहा था तभी वहां पर एक नन आकर उससे अपनी खुदाई करवाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। पैंपनिया उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उसे बहुत जलन होती है। दूसरी तरफ रासिया के राजकुमार अपने पीछे पर्दा लटकाकर पैंपनिया के साथ शादी करने के लिए मुंह उठाकर पैंपनिया के महल पहुंच जाता है जिस पर जर्बिनो कब्जा कर बैठा हुआ था। वो जर्बिनो से कहता है कि मैं रासिया का राजकुमार आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही जर्बिनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उससे कहता है कि मैं उसका पिता नहीं बल्कि उसका होने वाला पति हूँ। रासिया का राजकुमार कहता है कि ये क्या मजाक हुआ, पैंपनिया के पिता ने मुझसे वादा किया था कि पैंपनिया की शादी सिर्फ मेरे साथ ही होगी। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बाहर खड़ा एक मजदूर उनसे कहता है कि राजकुमार पैंपनिया सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहती है, इसीलिए वो कॉन्वेंट में जाकर छुपी हुई है। अब ये बात सुनते ही रासिया का राजकुमार पैंपनिया के साथ शादी करने के लिए कॉन्वेंट की तरफ जाने लगता है। इधर लोरेंजो के पास दो प्यासी नन अपनी प्यास बुझाने के लिए आती है और लोरेंजो भी उन्हें पूरा मजा देता है। आगे एक दिन वही दो नंस पैंपनिया को लेकर जब लोरेंजो के टब में पानी डालने के लिए जा रही थी तभी उनमें से एक नन कहते कि आज तो टब में पानी डालने के साथ साथ लोरेंजो से अपना पानी भी निकलवा कर आऊंगी। अब ये सुनकर पैंपनिया के मन में बहुत ईर्ष्या होती है। आगे वो दोनों नंस लोरेंजो के पास आकर उसके टब में पानी डालती है और पैंपनिया से कहते हैं कि अब तुम भी आ जाओ अपनी खुजली खुजलवाने के लिए। ये सुनने के बाद भी पैंपनिया वहां पर नहीं जाती और कहती है कि ये पाप है। आगे लोरेंजो को नहला धुलाकर हेड नन के पास लेकर जाया जाता है क्योंकि आज खुदाई करवाने का हेड नन का दिन था और लोरेंजो भी उसके बंजर खेत में हरियाली लेकर आता है। दूसरी तरफ उसे ये सब कुछ करते हुए पैंपनिया देख रही थी और उसे काफी जलन होती है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी। अगले दिन ही पैंपनिया मुंह उठाकर लोरेंजो के पास पहुंच जाती है और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक चुम्मी देती है और उसे कहती है कि आज तक तुमने जितनी भी नंस के लिए है मैं उनमें से कोई भी नहीं हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और शादी के बाद ही मैं तुम्हें मेरा खजाना लूटने दूंगी। अब ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब पैंपनिया को इस बात का डर था कि लोरेंजो अगर इस कॉन्वेंट में ज्यादा दिनों तक रहा तो कॉन्वेंट की सभी नंस उसे चूस चूस कर खोखला कर देंगी और शादी के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वो हेड नन के पास जाकर कहते कि लोरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं है और उसने उसे बगीचे में गाना गाते हुए सुना है। ये सुनकर हेड नन पैंपनिया की बातों की जांच करने के लिए लोरेंजो के पास जाती है। तभी उसके कान में जाकर कहते कि अब तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई है। ये सुनते ही लोरेंजो की फटकर हाथ में आ जाती है और वो उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे हेड नन को लोरेंजो के बारे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब लोरेंजो अपनी असलियत छुपाने के लिए हेडनन से कहता है मिरिकल मिरिकल ये तो गजब हो गया, मैं तो अब बोलने लगा हूँ। अब क्योंकि लोरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं है इसलिए हेडनन को इस बात का डर था कि कहीं लोरेंजो सबके सामने उनकी पोल ना खोल दे, इसीलिए वो लोरेंजो को लात मारकर कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। इधर पैंपनिया को लेने के लिए रासिया के राजकुमार ने घोड़ा गाड़ी भेजी थी जिसमें बैठकर पैंपनिया जब जा रही थी तभी वो रास्ते में लोरेंजो को देखकर उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ रासिया का राजकुमार भी गांव में भटक रहा था। इसी बीच जब वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है तभी वो वहां पर एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए देखकर उसे पूछता है, ए सुंदरी क्या तुम पैंपनिया को जानती हो, मैं रासिया का राजकुमार हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। जिसमें वो लड़की मुंह उठाकर कह देती है कि हाँ मैं ही तो हूँ पैंपनिया। ये सुनने के बाद रासिया का राजकुमार पानी में ही उसके पास जाकर उसकी चुम्मी लेता है। इधर पैंपनिया लोरेंजो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रासिया के राजकुमार के साथ शादी करने वाली थी। इसी बीच वो लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो, जिसमें लोरेंजो उसे बताता है कि हाँ करता हूँ लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, उसने कॉन्वेंट में मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था। अब ये बात सुनने के बाद पैंपनिया समझ जाती है कि लोरेंजो और किसी से नहीं बल्कि उसी से प्यार करता है। लेकिन तब तक चोरों चक्का जर्बिनो अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो लोरेंजो को बहुत बुरे तरीके से मारता है और उसे काल कोठरी में डाल देता है। अगले दिन ही पैंपनिया जर्बिनो से कहती है कि अगर तुमने लोरेंजो को काल कोठरी से नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब जर्बिनो को पैंपनिया के साथ शादी करनी थी इसलिए वो उसके कहने पर लोरेंजो को आजाद कर देता है। इधर पैंपनिया जर्बिनो के साथ शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो चर्च के पादरी के पास जाती है जहां पर हम देखते हैं कि ये वही भैरूपीय फादर है जो कि पहले पेंटर हुआ करता था और जिसे अपनी दिहाड़ी नहीं मिली थी। इसके बाद यहां पर पैंपनिया उसे कई सारे सोने के सिक्के देकर जर्बिनो के साथ उसकी शादी को टालने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लोरेंजो को जब जर्बिनो के दो सिपाही लेकर जा रहे थे
तभी लोरेंजो को उनसे पता चलता है कि पैंपनिया उसे बचाने के लिए उस कमीने जर्बिनो के साथ शादी कर रही है। अब ये पता चलने के बाद लोरेंजो पैंपनिया को बचाने के लिए उन सिपाहियों को चकमा देकर वहां से भागकर महल की तरफ जाता है। इधर महल में वो बहुरूपिया फादर जर्बिनो और पैंपनिया की शादी को डिले करने के लिए जर्बिनो से ऊटपटांग सवाल पूछता है। वो कहता है कि जर्बिनो आज तुम्हारी शादी है, क्या तुम आज नहाकर आए हो? जर्बिनो कहता है कि हाँ फादर, मैं नहाकर आया हूँ। फादर कहता है जर्बिनो तुम्हारा हाथ दिखाओ। जर्बिनो जब अपना हाथ दिखाता है तभी फादर उसके नाखून में जमा हुई धूल मिट्टी को देखकर उसे कहता है, नहीं मैं ऐसे आदमी की शादी नहीं करवा सकता जो संडास से निकलते वक्त अपने हाथों को ठीक से नहीं धोता। अब ये बात सुनते ही जर्बिनो तुरंत अपने हाथों को जाकर धोकर आता है, लेकिन फादर तो उससे एक मुजरिम के जैसे सवाल पूछे ही जा रहा था। इसीलिए जर्बिनो उस फादर के ऊपर गुस्सा होकर अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। तभी वहां पर रासिया के राजकुमार और लोरेंजो भी पहुंच जाते हैं और ये दोनों मिलकर जर्बिनो के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जर्बिनो वहां से भागने की फिराक में था कि तभी वहां पर लोरेंजो आकर उसके साथ फाइट करने लगता है और आखिर में वो उसे एक कुएं में गिराकर उसका काम तमाम कर देता है, यानी कि वो मारा जाता है। इधर तब तक रासिया के राजकुमार के पास पैंपनिया आकर कहती है, रासिया के राजकुमार मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अब ये सुनते ही रासिया के राजकुमार की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अब पैंपनिया जब अपने चेहरे से पर्दा हटाती है तभी रासिया का राजकुमार कहता है कि तुम वो पैंपनिया नहीं हो जिसको मैंने तालाब में देखा था। तभी वहां पर वो नकली पैंपनिया भी पहुंच जाती है और तब राजकुमार कहता है कि मैं तो बस इसी के साथ शादी करूंगा। इधर लोरेंजो जब जा रहा था तभी उसके पास पैंपनिया आती है और उसे आके बंद करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे किस करती है और लोरेंजो समझ जाता है कि यही उसका प्यार है जिसने उसे कॉन्वेंट में प्यार किया था। अब यहाँ पर लोरेंजो भी पैंपनिया को किस करता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगते हैं। उधर वो बहुरूपिया फादर उनको देखकर अपने ऊपर और उनके ऊपर फूल बरसाने लगता है और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।